सारे विश्वकर्मा वंशी हैं, खटेरे ताम्रकार वो भी सब विश्वकर्मा वंशी हैं, जो भी संसार में शिल्प कर्म करता है वो सारे विश्वकर्मा के वंशी हैं। और केवल हिंदू नहीं, उत्तर प्रदेश हमारे मुसलमान भाई से शिल्पकारों से भरा हुआ है। कोई बाबर अपने साथ शिल्पकार लेके नहीं आया था, वहां शिल्पकार हो ही नहीं सकता। इराक और ईरान की धरती के ऊपर पूरा यूएई में पूरा का पूरा बाबर रेत के डिब्बे, वहां पर घास तक पैदा नहीं होती, वृक्ष से फिर शिल्पकला कैसे पैदा हो? वृक्ष वहां है ही, पहाड़ वहां है ही नहीं, पत्थर से शिल्पकला पैदा हो, खनिज वहां कोई निकलता ही नहीं, ना लोहा निकलता, ना तांबा निकलता, ना चांदी, ना सोना, कुछ नहीं निकलता। वहां तो गहराई पर जाओ तो तेल निकलता है, तेल से तो कोई शिल्पकला नहीं होती। इसलिए यहां जो मुसलमान भाई है ये भी सारे के सारे भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। हुआ होगा कोई कारण जिनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा, उन कारणों का भी मुझे अच्छी तरह से पता है। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मन से कहने की नहीं होती। लेकिन इतनी बात है, जहां श्रम को सम्मान नहीं मिलता, मेहनत को सम्मान नहीं मिलता, प्रसाद को सम्मान नहीं मिलता, तो आदमी प्रतिक्रिया स्वरूप उस धर्म को छोड़ देता है। और ये केवल इस्लामी शिल्पकारों ने नहीं किया, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी किया। उनको भी आखिरकार ये कहना पड़ा था कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक बैरिस्टर होते हुए, लॉ ग्रेजुएट होते हुए, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट होते हुए जो सम्मान समाज से मिलना था उनको नहीं मिला। और यही शायद मुसलमान शिल्पकारों के साथ रहा होगा कि समाज में उनको सम्मान नहीं मिला तो प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने धर्म का परिवर्तन कर दिया। मैं आपको यहां पर ये कहने के लिए आया हूं, संसार में सब लोग अपना परिवार बढ़ाते हैं, घटाने। मुझे सन 1987 में हरियाणा प्रदेश जागरण सभा का अध्यक्ष बना दिया सर्वसम्मति से। गुड़गांव में चुनाव था, मेरी इच्छा हुई कि जब मुझे समाज की जिम्मेदारी मिली है तो किसी महापुरुष से मार्गदर्शन लिया जाए। और मैं गुड़गांव में सच्चिदानंद स्वामी कल्याण देव जी के पास या कॉलेज थे उनके पास गया, पहले से परिचय था। मैं बेटा कैसे आए हो? मैंने कहा स्वामी जी मुझे जागरण सभा हरियाणा का अध्यक्ष बना दिया लोगों ने, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आया, मुझे क्या करना चाहिए? कभी कल्याण देव जी के शब्दों को दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा बेटा अगर मेरे से पूछने के लिए आए हो तो मैं आपको बता ही देता हूं, मैं साधु हूं, मुझे कोई जाति से उससे लेना देना नहीं, लेकिन जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं उनका दर्द तो एक खून के अंदर रहता है। उन्होंने कहा कि जो भी जागीड़ है, धीमान है, पंचाल है, सुखार है, रामगढ़िया तो अपनी अलग पहचान रखते हैं, पगड़ी की पहचान है, लेकिन जागीड़, धीमान, पंचाल, सुखार ये जितने भी लोग हैं जो भी तरक्की करता है वही अपने नाम के पीछे शर्मा जी लगा लेता है। तरक्की करो और ब्राह्मण के खाते में चढ़ा दो तुम्हारी रोकड़ खाली पड़ेगी।